तो थैंक यू शैलेंद्र सर फॉर गिविंग यू सच अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन टू एवरीबॉडी हियर. अब मैं बाकी सर से ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स यहाँ सबों के लिए जो यहाँ आए, तो थोड़ा सा 10-20 मिनट इसके लिए. वेलकम सर. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन. आई एम हैप्पी दैट आई एम ए पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप टुडे. आई हैव लिसन टू डॉक्टर सलाम हु इज एन अथॉरिटी इन लॉ. देन आई एम हैप्पी दैट शैलेंद्र जिस तरह से बोले हैं अच्छा बोले. ही हैज अंडरस्टूड द साइकी ऑफ द पीपल एंड आई एम हैप्पी कि his understanding will go a long way in dealing the tedious problems of this state. Child के बारे में जितना कहा जाए कम है. गांधी जी ने कहा child is the father of the nation. तो जहां तक चाइल्ड की बात है उसी से हम अपने नेशन को देखते हैं. जैसा चाइल्ड होगा वैसा नेशन होगा. जहां तक जुवेनाइल प्रॉब्लम्स का इहाता किया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविजन्स वगैरह रखे हैं इन द स्टेट, जे एंड के स्टेट में इतनी चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम नहीं है. मतलब कहीं होगी थोड़ी बहुत, जैसे शैलेंद्र ने बोला कि वही रईस जादे. तो हमेशा रईस जादों से ही बात, क्रिमिनल टेंडेंसीज जो है वो रईस जादू से ही शुरू होगी. मुझे याद आता है सिंस आई एम ए लिटरेचर स्टूडेंट, अनारकली आपने फिल्म भी देखी होगी और एक नॉवेल है, तो उसका बुनियादी किरदार जो है वो जो अनारकली एक लड़की होती है वो छोटा बच्चा होती है, तो उसको वहां से अपने गांव से निकाला जाता, अगवा किया जाता, एंड शी लैंड्स इन ए ब्रोथेल. सो बच्चों को हमने क्रिमिनल टेंडेंसीज में एक ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत डाला डिफरेंट स्टेट्स में, और वो अब हमारे स्टेट में भी उस चीज का एक अक्स पढ़ने जा रहा है. हमने देखा है कि हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि एक छोटा बच्चा है, फिर उसके बाद उसको एक रईस जादे के पास नौकरी मिलती है, रईस जादा उसको लेकर के बीक मंगवाता है. वो दिन भर बीक मांगते हैं वो लोग, वो शाम को उसकी तिजोरी में भरते. कहने को तो वो बड़ा रईस ज्यादा है, लेकिन अगर वो कहीं पलता है तो भिखारी और बीक के टुकड़ों से पलता. सो इन चीजों को बड़े गौर से देखने की जरूरत है. जिस तरह शैलेंद्र साहब ने बोला कि वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, हमने देखना है, लोगों को देखना है, और उन लोगों के डिफरेंट एंगल से उनको देखना पड़ेगा. मतलब अगर आपके थाने में या आपके रेलवे स्टेशन में या आपके प्रिमाइसेस में कोई बच्चा आ रहा है, रोज आ रहा है, बार बार आ रहा है, स्कूल टाइमिंग में भी आ रहा है, स्कूल टाइमिंग के बाद भी आ रहा है, आपको वो जो आंख है तुम्हारी
दैट आई हैव सस्पिशन दैट शुड रेज कि भाई ये बंदा है चीज क्या. जैसे ही हैज रेफर्ड टू दैट वीडियो, जो लाइव वीडियो जो दैट मिलिटेंट वाज दैट अप्रिहेंडेड सम डेज बैक इन श्रीनगर सिटी. सो इस तरह की चीजें बहुत सारी ये हैं. बट जहां तक बच्चे का ताल्लुक है, बच्चे जो हैं एक हेल्दी नेशन को बनाने का जो सेहरा है वो बच्चे के सर है. जिस तरह के हेल्दी बच्चे पैदा किए जाएं, हेल्दी बच्चा यही नहीं है कि वो भारी भरकम हो. हेल्दी बच्चे का मतलब ये है कि इफ ही इज गिवन प्रॉपर एजुकेशन, इफ ही इज ग्रोन्ड, इफ ही इज गिवन द बेसिक एटिकेट्स टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग. हमने देखा है कि मतलब मेरी अपनी एक्सपीरियंस, अच्छे घरों में